बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है और मैं आपके साथ व्लॉग भी दिखाऊंगी अपना। आज है वीकेंड था तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करूं कि मैं वीकेंड वाले दिन क्या कर रही हूँ। ये मैंने दो आलू ले लिए हैं। दो आलू को मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है, ठीक है। तो दो आलू को लेके स्क्वायर शेप में काट लिया मैंने इसको। ये देख लें आप लोग, ये बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। ये वीकेंड था तो मैंने कहा भाई मुझे बहुत दिल चाह रहा था चटपटा कुछ खाने का, तो मैंने कहा मैं आपको ऐसी रेसिपी दी बताऊं जो बहुत मज़े की भी हो, चटपटी भी हो और जो अफोर्डेबल भी हो, यानी कि बहुत सस्ती रेसिपी हो जो आप हर घर में बंदा बना सकता है, वो वाली रेसिपी बताती हूँ मैं आपको। तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था आज को चटपटा खाने का, तो मैंने लिया है ये आलू के अंदर मैंने डाल दिए एक टेबल स्पून, एक टीस्पून लाल मिर्च डाली है मैंने आलू के अंदर। इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ी सी काली मिर्च, यानी कि हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डालूंगी। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, हाफ से भी हाफ़ टी स्पून, यानी कि एक चुटकी डालूंगी मैं हल्दी इसके अंदर। साबुत धनिया ऐड करूंगी इसमें, थोड़ा सा साबुत धनिया जो जिसे कहते हैं कोरिएंडर सीड भी कहते हैं ये इसको, तो साबुत धनिया मैंने लिया है। थोड़ा सा साबुत धनिया ऐड करूंगी इसमें, यानी कि अगर आपको मसला हो किसके कितना हो तो ये हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया ले लें, सही है। थोड़ी सी मैं कलौंजी लूंगी, हाफ एक चुटकी कलौंजी ले लें, ठीक है। और इसके अंदर ले लें थोड़ा सा, थोड़ी सी जो है ना सौंफ, वो भी हाफ़ टी स्पून के वो उस पर ले लें सौंफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल के ना इसको ना अच्छी तरीके से बंद कर दें, ढक दें, यानी कि इसको गलने दें सब चीज़ों के साथ, ठीक है। ये सारे मसाले हैं, ये मसाले देख लें, ये अचारी मसाला है सारा, सही है। तो ये हल्दी भी मैंने डाली अभी, सही है। तो ये बहुत मज़े का इससे टेस्ट आएगा, बिल्कुल अचारी सा टेस्ट आएगा और बहुत सस्ती और बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़े की ये बनती है। आप इसको खाएँ पराठे के साथ, आप इसको खाएं किसी भी पराठे के साथ, रोटी के साथ, बहुत मज़े का लगता है, सही है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने ली है टमाटर मैंने तीन ले ली हैं, अगर आप चाहें तो दो भी ले सकते हैं। अगर आपके मिकदार जितनी आलू की मिकदार हो ना उसी हिसाब से फिर मसाले लिए जाते हैं, ठीक है। तो मटर लिया है, मटर ऑप्शनल है, मटर अगर आप ना भी लेना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे ना मटर मैंने इसमें ऐड तो कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मटर जो है ना वो सालन को मीठा करता है, तो अगर आप मटर ना भी लेना तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। लेकिन टमाटर और हरी मिर्चें इसकी बेसिक है। तो ये ना बहुत मज़े का टमाटर से की वजह से ना ये चटपटा सा बनेगा, और जो इसमें मैंने मसाले डाले हैं वो सारे अचारी मसाले डाले हैं, तो इसकी वजह से ना ये बहुत अचारी सा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी सा ये सालन बनता है। ये सालन क्या, ये बिल्कुल मज़े का बन लगता है ये। तो इसको आप पराठे के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, जिसके साथ खाना खाएँ, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। ये आलू थोड़े से गल गए, यानी कि हाफ कुक हो गए, तो इसके अंदर फिर मैं डालूँगी टमाटर और हरी मिर्चें, सही है। अब मैंने पहले नहीं डाला, अगर मैं पहले डाल देती आलू में टमाटर और हरी मिर्चें तो टमाटर की वजह से ना आलू नहीं गलते, तो और मुझे इसमें ना बहुत ज़्यादा गले हुए होना चाहिए इसमें आलू को, ठीक है। इसमें आलू हल्के से ये नहीं होने की जैसे हम लोग दूसरे सालन वगैरह में जैसे आलू रखते हैं ना, वैसे नहीं होने चाहिए, बहुत गले हुए हों, सही है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मटर, हरी मिर्ची और थोड़ा सा ऑयल, यानी कि हाफ टी स्पून नहीं, एक टी स्पून, हाँ वन टी स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, ठीक है। और अगर इसके अंदर ऑयल भी ना भी डालें तो ये, अगर जो दो लोग डाइट करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है, तो अगर वो इसके अंदर ऑयल ना भी डालें ना तो ये सही है, बिल्कुल सही रहती है ये, कोई इसका टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं आता, सही है। ऑयल तो मैंने इसलिए डाला है कि जो इसकी है ना टमाटर की में थोड़ी सी हीक आती है, तो ऑयल की वजह से ना वो हीक बिल्कुल सही हो जाती है। वैसे भी ये सारे अचारी मसाले हैं तो इसके अंदर हीक नहीं आएगी आपको, तो आप ऑयल ना भी डालें ना, तेल ना भी डालें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा, यानी कि एक टीस्पून ना मैंने तेल ऐड करा, तो आप चाहें तो तेल ऐड करें या ना करें, ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। ये जब मैं डाइट कर रही थी ना, तो डाइट करती थी किसी ज़माने में, अब तो नहीं करती खैर, तो जब मैं किसी ज़माने में डाइट करती थी तो ये बेसिक बहुत मज़े की मैं यही वाली रेसिपी ज़्यादातर ट्राई करती थी, इसके अंदर सारी चीज़ें मुझे मिल जाती थी। तो ये हो गया, ढक दिया था, देखें ये स्ट्रगल में आ गया। अब मैं ना इसको जो वो है ना आलू का मैं ना थोड़ा सा जो मैंने स्क्वायर शेप किया था ना, इसको और मैं ना हल्का सा और तोड़ दूँगी, बिल्कुल इसको इतना कर दूँगी कि मसाले के साथ ना आलू और टमाटर बिल्कुल मिक्स हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मैं इस रेसिपी को बनाऊँगी। तो ना ये, और अगर आपको इसमें पानी भी रखना है ना, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि पहले आलू और मसाला और जो टमाटर है ना, टमाटर और वो जो आलू है ना, वो बिल्कुल मिक्स हो जाए एक साथ,
फिर आप इसके अंदर पानी ऐड करिएगा हल्का सा, फिर तो ताकि ये थोड़ा सा वो हो जाए, मसालेदार भी बन जाएगा और थोड़ा ये दोनों चीज़ें गल भी जाएंगी, ठीक है। इसके साथ ही तो ये देखिएगा कि टमाटर पक जाए और इसके साथ बिल्कुल मैश हो जाए, यानी कि बिल्कुल मसाला बन जाए वो टमाटर का, टमाटर खड़े खड़े ना रहे, तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा आपके लिए। देखिए मैंने तो इसको बिल्कुल खुश कर लिया था, तो ये इतने मज़े का लगता है। इसके अंदर मैं आप लेमन निचोड़ें, लेमन ज़रूर रखाया करें, लेमन अपने ख़ुराक में ज़रूर शामिल किया करें, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है हमारा, तो ये कोशिश किया करें कि लेमन ज़रूर खाया करें। अच्छा, मैं अंडा जो खाती हूँ ना वो बॉयल खाती हूँ, क्योंकि ना मैं आमलेट और ये फ्राई वगैरह नहीं खाती, मुझे हीक आती है अंडे में से बहुत, तो मैं बड़ी मुश्किल से अंडा खाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खाना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से खाती हूँ। ये मैं बना रही हूँ रोगनी रोटी। रोगनी रोटी मुझे बड़ा दिल चाह रहा था, बड़े दिनों से मैंने नहीं खाई थी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था रोगनी रोटी खाने का। ये कलौंजी ली है मैंने थोड़ी सी एक चुटकी, इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल और इसको मैं अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट सा गूंदिएगा, बहुत सख्त नहीं हो, बहुत सॉफ्ट नहीं हो, नॉर्मल आटा गूंदिएगा इसका, सही है। इसके नॉर्मल जो गूंदे हैं ना वो नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट भी ना हो, बहुत ज़्यादा ये सख्त भी ना हो, इस तरीके से इसको गूंदिएगा, ठीक है। तो ये बड़े मज़े की ये वाली रेसिपी जो थी ना वो मेरी नानू की थी, बड़ी मज़े की बनाती थी रोगनी रोटी। अक्सर जो मॉर्निंग में हम लोग उनके यहाँ जाते थे ना, तो वो यही बनाती थी, क्या नाम है, रोगनी रोटी और ये वाली आलू का सालन, ये वाला अचार ही आलू का सालन। तो ये बड़े मज़े का लगता था ना उस वक्त, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, 3 दिनों से मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, तो रेगुलर डेज में कहाँ टाइम मिलता है कि बंदा बैठ के सुकून से नाश्ता भी करे। तो आज मुझे टाइम मिला, वीकेंड था, मैंने कहा चलो कुछ नया ट्राई करूँ, नया ट्राई कर रही थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो देखें कितने मज़े की और कितनी सस्ती रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, और जितनी भी रेसिपी मैं बताती हूँ ना आपको वो ज़रूर ट्राई किया करें, और बिल्कुल वैसे ही ट्राई किया करें जैसे मैं बताई हूँ, ठीक है। तो कम से कम मसालों के साथ, कम से कम चीज़ों के साथ रेसिपी बनाया करें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखें, ये मैंने रोटी, अच्छा ये रोटी जो है ना वो ठीक होगी, ये रोटी जो है ना नान की तरह ठीक होगी, ये रोटी ना पतली नहीं होगी, तो इसको आप नान की तरह बनाइएगा तो ये ज़रा अच्छी लगेगी ज़्यादा। और ये अंदर से जब ये बन जाएगी तो इतनी खस्ता सी होगी ना ये हल्की, इसको इसकी ना आँच भी ना बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, इसको हल्की आँच पर पकाइएगा, ठीक है, इसकी आँच हल्की रखिएगा, यानी कि लो फ्लेम पे इसको पकाएगा, ये तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। बिल्कुल जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल लेगा, सही है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेगा इसको, यानी कि गोल्डन ब्राउन करें तो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लेगा इसको, ठीक है। तो ये बड़े मज़े की बनती है, ये देखें इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये देखें कितने मज़े की बनी है, इसको मैं तोड़ के दिखाऊंगी आपको। ये अंदर से इतनी खस्ता, इतनी मज़े की होती है, बिल्कुल मुझे तो ये बिल्कुल बिस्किट की तरह लगने लगती है ये रोटी, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है और इस सालन के साथ तो ऑसम, ऐसा ज़बरदस्त मज़ा आएगा ना इसको, इसके साथ आपको खाने में एक चटपटा सा मज़ेदार किस्म का, इसमें जो लेमन मैंने निचोड़ा था ना, ऐसा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था, ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आया था मुझे खाने में, बड़ा दिन बड़ा इन्जॉय किया मैंने। अच्छा, तो भाई हम लोग गए हैं आज क्या करने, गए हैं बाहर, गए तो हम लोग गए थे ना समोसे लेने, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ बाहर का लुक, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है अभी कराची का, ना सर्दी है ना गर्मी है, बाहर का मौसम है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, इतना अच्छा इतना मज़ेदार मौसम है, ऐसा मौसम बहुत रौनक वाला होता है, इस मौसम में ना बहुत रौनक होती है, ना सर्दियों में तो बिल्कुल सुनसान हो जाता है, लेकिन इस मौसम में इतना मज़ा आता है बाहर निकलने में, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरी कज़न जो बाहर इस्लामाबाद वगैरह में रहती है, इस्लामाबाद में रहती है ना, तो वो हमेशा मुझे ये कहती है कराची की ना मुझे ये सब चीज़ें शेयर किया करो, बहुत शेयर किया करो अपनी वीडियोस में, तो मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें देख लो मैंने शेयर कर दी हैं, तो सारी चीज़ें, तो ना ये कराची का ये लुक देख लें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और मौसम इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है, तो ये इस मौसम में ना बड़ा मज़ा आता है खाने पीने का, घूमने फिरने का। तो हम लोगों ने ले लिए हैं समोसे, और जब समोसे की वीडियो बनाने का टाइम आया ना तो सिर्फ 4 ही बचे, और समोसे सब ने ऐसे झपट्टा मार के चीज़ें वो ले ली कि मैं चटनी निकालते निकालते ना सिर्फ 4 समोसे मेरे बच गए, और ये मुझे मिले भी नहीं, और ये 4 समोसे में भी एक समोसा भी मुझे नहीं मिला, और ये जलेबी, और ये जलेबियाँ बनाई थी और समोसे बनाई थी, और मम्मी जो थी फ्राई कर रही थी वो क्या कहते हैं पकोड़े फ्राई करने, और हमारे यही होता है कि फ्राई करते 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 चीज़ें टेबल तक आते ही पहले ख़त्म हो जाती हैं। ये मैंने ये है
टमाटो केचप, ये होममेड टमाटो केचप है, इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और ये शामी कबाब है, शामी कबाब की यहीं पर मैंने पिक्चर बना ली, वो वीडियो बना ली, क्योंकि वहाँ तक ले जाते मेरे पास इतना बचा नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूँ। ये पकौड़े बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी वीडियो बनाई है, बड़ी मुश्किल से जान पे खेल के मैंने इसकी वीडियो बनाई है इन सब चीज़ों की, वरना ये बड़ी मुश्किल से फ़ौरन सेट हो जाती हैं। तो ये सेवइयाँ ही बनानी थी और ये पकौड़े ही बनाने थे, जो मुझे सिर्फ दो मिले और मिले भी नहीं मुझे ज़्यादा। और ये दही बड़े हैं, दही बड़े की भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ज़बरदस्त किस्म की मैंने अपनी प्लेट बनाई, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली थी दो पकोड़े और दही बड़े और ये मुझे कबाब। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।